गैस्ट्राइटिस पार्ट थ्री के अंदर, ठीक है, पार्ट टू के अंदर किसी कारणवश वीडियो स्टॉप हो गया था। आगे देखते हैं प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर और प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर के मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और इन दोनों से क्या होता है कि गैस्ट्रिक म्यूकोजा में या तो एडिमा हो जाएगा या गैस्ट्रिक कैविटी जो है उसके अंदर कंजेशन आ जाएगा, और कंजेशन आने के कारण से वहाँ पे सुपरफिशियल इरोजन होगा। ठीक है, सुपरफिशियल इरोजन का क्या मतलब है? अब जैसे कि ये गैस्ट्रिक है, स्टमक है, स्टमक के अंदर यहाँ पे या एडिमा एडिमा वगैरह हो गया, ठीक है, एडिमा हो गया और यहाँ पे कंजेशन हो गया म्यूकोजा रिलेटेड, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे इरोजन करेगा, यहाँ पे लेसरेशन करेगा, डैमेज करेगा, लेयर को क्या करेगा, डैमेज करेगा, तो इरोजन करेगा। तो नेक्स्ट लाइनिंग क्या लिखी है, सुपरफिशियल इरोजन के लिए, ठीक है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा मेम्ब्रेन अंडरगोज द सुपरफिशियल इरोजन एंड ऑब्स्ट्रक्शन। तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा मेम्ब्रेन, ठीक है, अंडरगोज सुपरफिशियल इरोजन एंड ऑब्स्ट्रक्शन, राइट, ऑब्स्ट्रक्शन इसके अंदर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट, सीक्रेट द स्केंटी अमाउंट ऑफ द गैस्ट्रिक जूस सीक्रेटेड विथ वेरी लिटिल एसिड बट मच म्यूकस। मतलब कि इसके अंदर नेक्स्ट जो आएगा इसमें क्या होगा कि म्यूकस सिक्रेशन तो ज़्यादा है, ठीक है, और एसिड जो है वो लेस रहेगा, लेस एसिड और मच म्यूकस इसके अंदर सिक्रेट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, राइट, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि सुपरफिशियल अल्सरेशन एंड मे अकर कैन लीड टू द हेमरेज, और जो अल्सरेशन है वो हेमरेज में बदल जाएंगे। तो जैसा कि आप नोट्स के अंदर दिख रहा ही है आपको, है ना, नोट्स के अंदर ही आप देख के समझ सकते हो कि सुपरफिशियल अल्सरेशन मे अकर एंड कैन लीड टू द हेमरेज, ठीक है, अल्सरेशन हो जाएंगे और ब्लीडिंग होगी, और लास्ट में क्या होगा, डैमेज फ्रॉम द इरिटेंट रिजल्ट इन इंक्रीज इंट्रासेल्युलर पीएच, इम्पेयर्ड एंजाइम फंक्शन, डिस्टर्ब्ड सेल्युलर स्ट्रक्चर, इश्चिमिया, वेस्कुलर स्टेटिस एंड टिश्यू डेथ। यदि ये लाइन आपको समझ में नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, इस लाइन को नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये लाइन बहुत लंबी हो रही है, तो आप लास्ट में एरो डाउन करके गैस्ट्राइटिस लिख लो, राइट। तो मैं इस लाइन को थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि आपको यदि लिखना है तो ठीक, नहीं तो क्योंकि हम इसको समझने जाएंगे तो इसके लिए हमको थोड़ा डीप जाना पड़ेगा और उतना समय हम लेंगे तो फिर बाकी चीज़ें रह जाएंगी। जैसे जैसे आप ये चीज़ें पढ़ते जाओगे तो ऑटोमेटिक रिवाइज करते जाओगे, ऑटोमेटिक ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो बस पैथोफिजियोलॉजी के लिए इतना ही है, जितना मैंने बुक के अंदर दे रखा है उसी को, बुक का जो स्कैन कॉपी दे रखा है उसी को आपको कॉपी करना है, और उसके अंदर कोई डाउट आता है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे गैस्ट्राइटिस के अंदर पार्ट टू के अंदर हम और आगे बढ़ेंगे, सॉरी पार्ट थ्री के अंदर हम आगे बढ़ेंगे, राइट। क्लिनिकल फीचर्स ओके। अब क्लिनिकल फीचर्स में पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम होगी, तो पेशेंट को प्रॉब्लम होगी बर्निंग एग और पेन, एक गैनविंग और बर्निंग एग और पेन, मतलब कि पेशेंट को बर्निंग एग होगा, गैनविंग आप भूल जाओ, सीधा सा बर्निंग एग लिखो, ठीक है, शॉर्ट एंड सिंपल, बर्निंग एग मतलब कि पेट के अंदर जलन होगी, और आप ब्रैकेट में लिख सकते हो इनडाइजेशन के समय ऐसा होता है। इसके बाद अपर एब्डोमन दैट मे बिकम आइदर वर्स एंड बेटर विद द ईटिंग, अपर एब्डोमन जो है, ठीक है, ईटिंग के समय ये आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, बाकी इसमें बर्निंग होगी। क्यों होगी मैं बता देता हूँ कि जैसे स्टमक है, स्टमक में गैस्ट्राइटिस हो गया, ठीक है, गैस्ट्राइटिस हो गया, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो ऑलरेडी जो HCl सिक्रेटेड है, ठीक है, ऑलरेडी जो पहले से है, और वो क्या करता है, इसको इरिटेट करता है, और इसको इरिटेट करेगा तो क्या करेगा, बर्निंग करेगा। लेकिन जब आप फूड पार्टिकल अंदर ईटिंग करते हो और फूड पार्टिकल अंदर आ गया तो फूड पार्टिकल के साथ ये HCl क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, इसके साथ ये मिक्स हो गया, फिर ये इतना कंसनट्रेटेड नहीं रहेगा जितना पहले था, तो अब इसका जो इरिटेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आपको क्या मिला, रिलीफ मिला। मतलब कि खाली पेट तो पेशेंट को बर्निंग हो रही थी लेकिन ईटिंग करने के कारण से ये रिलीफ हो गया। तो इस तरह का पेन, इस तरह का बर्निंग पेन गैस्ट्राइटिस के अंदर होता है, ये फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम है। और यदि फूड के अंदर आपने एसिड ज़्यादा ले लिया है तो वो सिम्टम और बढ़ भी सकता है, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे नोजिया एंड वॉमिटिंग, राइट। नोजिया वॉमिटिंग होता है पेशेंट को, इसके बाद फीलिंग ऑफ द फुलनेस इन अपर एब्डोमन आफ्टर द ईटिंग, खाने के बाद उसको अपर एब्डोमन का फुल हो गया है ऐसा फीलिंग आएगा, ठीक है। एब्डोमिनल ब्लोटिंग मतलब कि पेट के अंदर सूजन आ जाएगी। एसिड रिगर्जिटेशन पर्टिकुलरली आफ्टर द मील, ठीक है, खाना खाने के बाद ऐसा लगेगा कि एसिड रिफ्लैक्स हो रहा है, एसिड जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, गले की तरफ आ रहा है, और आपको गले की तरफ भी बर्निंग महसूस हो सकती है। नेक्स्ट एसिड रिगर्जिटेशन आफ्टर मील हो गया। नेक्स्ट हिकअप्स, ठीक है, जो ये हिचकियाँ वगैरह जो आती है, ठीक है। और ब्लैक टेरी स्टूल, स्टूल कैसे रहेंगे, ब्लैक हो सकते हैं। ब्लैक क्यों होंगे, क्योंकि गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल यदि ब्लीडिंग है तो वो स्टूल में जब ब्लीडिंग मिक्स होगी तो वो लास्ट में जब स्टूल के फॉर्म में निकलेगा तो वो ब्लैक कलर का निकलेगा, क्योंकि वो क्लॉटेड ब्लड है, राइट। लॉस ऑफ एपेटाइट, क्योंकि एसिड वगैरह सिक्रेशन नहीं हो रहे, गैस्ट्रिक के अंदर एसिड सिक्रेशन नहीं हो रहे, तो लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, भूख कम लगेगी। नेक्स्ट है फीवर एंड वीकनेस, बुखार हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं इंजुरी है, तो फीवर और वीकनेस आ सकती है, भूख नहीं लग रही है तो वीकनेस भी आ सकती है। इसके बाद है स्टमक क्रैम्पिंग, स्टमक के अंदर क्रैम्प्स आ जाना, राइट। स्टमक क्रैम्पिंग, ये जो स्टमक है इसके अंदर इन्फ्लामेशन है, ठीक है, लेकिन यह कि जो पीछे की जो मांसपेशियाँ हैं वो मांसपेशियाँ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, एबनॉर्मली ये क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो स्टमक सिकुड़ जाता है, सिकुड़ा हुआ रहता है, जिसको अपन स्टमक क्रैम्पिंग भी कह सकते हैं, और ये पेनफुल रहता है। इसके बाद सोर टेस्ट इन माउथ, मुंह के अंदर खारा खारा टेस्ट आना, राइट। इसके बाद है विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी, क्योंकि विटामिन बी ट्वेल्व का एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगा गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, और पर्सन को विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि विटामिन बी ट्वेल्व को एब्जॉर्ब करने के लिए स्टमक का रोल रहता है, स्टमक प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, लाइनिंग प्रॉपर एसिड और एंजाइम सीक्रेट नहीं हो रही है, तो बी ट्वेल्व आप भले बाहर से सप्लीमेंट भी ले रहे हो लेकिन वो प्रॉपर अमाउंट में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, राइट। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स बस आपको यहीं तक याद रखने हैं, ज़्यादा क्लिनिकल फीचर्स याद नहीं रखने हैं, ठीक है, यही क्लिनिकल फीचर्स पढ़ने हैं आपको जितने में टिक करके दे रहा हूँ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, आपके नोट्स के अंदर डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन को देखिए। फर्स्ट है इसके अंदर सीबीसी, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन डायग्नोसिस। फर्स्ट इसमें है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट हम काउंट करेंगे, क्योंकि यदि इन्फेक्शन है तो टीएलसी डब्ल्यूबीसी जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा यदि इन्फेक्शन है तो, राइट। इसके बाद है इसोफेजो, और देखो इन्फेक्शन है तो टीएलसी बढ़ा हुआ मिलेगा, और गैस्ट्राइटिस के अंदर क्या रहता है, आरबीसी जो है वो कम हो सकता है, आरबीसी कम हो सकता है, क्योंकि एनीमिया होने के कारण से खून की कमी होती है, अपने गैस्ट्राइटिस की होने के कारण से एनीमिया हो सकता है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है, और ब्लीडिंग होने के कारण से एनीमिया हो सकता है और आरबीसी डाउन हो सकती है, तो एनीमिया को चेक करने के लिए हम गैस्ट्राइटिस के अंदर आरबीसी को भी देखते हैं, तो डब्ल्यूबीसी को इन्फेक्शन का पता करने के लिए देखते हैं और एनीमिया को कंफर्म करने के लिए आरबीसी टेस्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे कंप्लीट ब्लड सेल काउंट करते हैं। इसके बाद है इसोफेजो गैस्ट्रो ड्यूओडेनोस्कोपी, इसोफेजो गैस्ट्रो और ड्यूओडेनो, राइट, इसोफेजो गैस्ट्रो ड्यूओडेनोस्कोपी मतलब ऐसा ट्यूब, एंडोस्कोपिक ट्यूब इंसर्ट की जाती है जो कि इसोफेगस, गैस्ट्रिक और ड्यूओडेनम तीनों की स्टडी करता है, तीनों को विजुअलाइज करता है, तीनों को देखने के लिए ये ट्यूब काम आती है, जिसको अपन एंडोस्कोपी कहते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट इसमें किया जाता है, इसोफेजियो गैस्ट्रो ड्यूओडेनोस्कोपी, इसोफेजियो गैस्ट्रो ड्यूओडेनोस्कोपी तीनों जगह की विजुअलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है एच पाइलोरी टेस्ट, मतलब कि पर्सन को कहीं एच पाइलोरी तो नहीं है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन तो नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए हम एच पाइलोरी टेस्ट करते हैं। इसके बाद है डबल कॉन्ट्रास्ट बेरियम स्टडी, डबल कॉन्ट्रास्ट बेरियम स्टडी क्या है मैं बता दे रहा हूँ, ये जैसे स्टमक है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं अल्सरेशन वगैरह है, फॉर एग्जाम्पल ये अल्सरेशन है, ठीक है, अब आप जो कॉन्ट्रास्ट यदि ओरली कॉन्ट्रास्ट एजेंट देते हो, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रास्ट क्या करेंगे, नॉर्मल लाइनिंग पे ये क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं,
और अल्सरेशन एरिया पे ये एब्जॉर्ब नहीं होते। अब जब आप इसकी स्कैनिंग करोगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट नहीं है, यहाँ पे भी कॉन्ट्रास्ट नहीं है। तो ये इमेज हमको जैसी बोर्ड पे दिख रही है वैसी इमेज दिखेगी कि ये लाइनिंग में नॉर्मल थी इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट एब्जॉर्ब हो गया है। तो कॉन्ट्रास्ट हमको स्कैनिंग में दिख रहा है, ये भी लाइनिंग नॉर्मल थी, कॉन्ट्रास्ट एब्जॉर्ब हो गया, कॉन्ट्रास्ट हमको दिख रहा है। लेकिन जहाँ अल्सरेशन है वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट, तो इससे हमको ये पता चलता है कि एबनॉर्मल एरिया कौन कौन सा है, कितने अल्सरेशन हुए हैं, कहाँ पे हुआ है, इरोजन हुआ है या नहीं हुआ है। इन चीज़ों को चेक करने के लिए हम डबल कॉन्ट्रास्ट बेरियम स्टडी करते हैं। और ये जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट जो है वो ये कॉन्ट्रास्ट थ्योरी पे काम करता है, और जो कंटेंट हम देते हैं ओरली उसको हम बेरियम कहते हैं। राइट, आगे बढ़ेंगे। फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट, ठीक है, नेक्स्ट हमारा टेस्ट है फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट। मतलब कि फीकल ओकल्ट इज रिलेटेड टू द स्टूल, स्टूल का टेस्ट करेंगे, ठीक है। एलिमिनेटेड स्टूल, स्टूल का सैंपल लेंगे और स्टूल का सैंपल लेके उसके अंदर ब्लड है कि नहीं है ये हम चेक करते हैं। स्टूल के अंदर यदि ब्लड सेल्स पाई जाती हैं इसका मतलब ये कि पर्सन को ब्लीडिंग हो रही है, और ब्लीडिंग हो रही है इसका मतलब ये कि पर्सन को इंटरनल कोई ना कोई इंजुरी है, गैस्ट्रिक के अंदर कोई ना कोई इंजुरी है, या इंटेस्टाइन में या इसोफेगस में कहीं ना कहीं इंजुरी है, जिस कारण से ब्लड फीकल मटेरियल के साथ ब्लड भी आ रहा है। तो फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसको हम स्टूल टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सरे ऑफ द अपर डाइजेस्टिव सिस्टम। हम एक्सरे से पता करते हैं कि एबनॉर्मलिटी का इमेज के रूप में हमको दिख जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू। हम यदि कोई ऑर्गन है, कोई ऑर्गन के अंदर किसी सेल के अंदर हम यदि कैंसर का या इन्फेक्शन का डाउट करते हैं, और वहाँ की सेल का हम यदि स्टडी करें, वहाँ की सेल का यदि स्टडी करें, ठीक है, तो उस सेल की स्टडी को हम कहते हैं हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो हिस्टोलॉजिकल वर्ड इज ओनली फॉर द सेल स्टडी, तो वहाँ की सेल स्टडी करते हैं, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, वहाँ का पर्टिकुलर टिश्यू रिमूव किया जाता है और उस टिश्यू के सेल का स्टडी किया जाता है। इसके बाद है लीवर एंड किडनी फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट है लीवर एंड किडनी फंक्शन टेस्ट। लीवर और किडनी फंक्शन टेस्ट इसलिए क्योंकि स्टमक यदि प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ फूड का डाइजेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? फूड का डाइजेशन नहीं होगा। डाइजेशन नहीं होगा तो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि लीवर हो गया और किडनी हो गया, ये इनको प्रॉपर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट मिलेंगे नहीं कंजम्पशन के लिए, एनर्जी के लिए, तो ये अपना फंक्शन डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे कि ये बाइल रिलेटेड फंक्शन को रोक देगा, ये अपना यूरिन फिल्ट्रेशन का फंक्शन, क्योंकि इसको भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए। तो यहाँ पे लीवर और किडनी फंक्शन जो है वो भी स्टमक से और जीआई ट्रैक से एसोसिएटेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, उनके फंक्शन इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। तो ये टेस्ट किए जाएंगे। लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर SGOT, SGPD, सीरम बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, उन चीज़ों को चेक किया जाता है, जबकि किडनी के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन जैसी चीज़ों को चेक किया जाता है। इसके बाद यूरिन एनालिसिस के अंदर ये देखेंगे कि इन्फेक्शन वगैरह प्रेजेंट तो नहीं है, राइट, और जैसे कि शुगर वगैरह रिलेटेड चीज़ों को देखने के लिए भी यूरिन एनालिसिस करते हैं, क्योंकि डायबिटिक वाले पेशेंट्स वगैरह में भी ये चीज़ें होती हैं, गैस्ट्राइटिस के और सिम्टम्स आते हैं तो यूरिन एनालिसिस भी करते हैं, और गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रिया फंक्शन भी इसमें देखे जाते हैं। लीवर है, लीवर के पीछे या पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है, मतलब नीचे की तरफ गॉल ब्लैडर रहता है और ये बाइल डक्ट रहती है। लीवर जो भी बाइल बनाता है वो बाइल यहाँ पे स्टोर होता है। यदि बाइल एक्सेसिवली सिक्रेट हो रहा है और स्टमक को इरिटेट कर रहा है तो वो चीज़ें भी हम यहाँ पे देखते हैं। गॉल ब्लैडर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या ज़्यादा फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। तो जो जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं उनकी हेडिंग सिर्फ आपको लिखनी है, और मीनिंग मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। आगे बढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, गैस्ट्राइटिस का मेडिकल मैनेजमेंट। अब यह है इम्पोर्टेंट चीज़, अब ज़्यादा फोकस करने की चीज़ इस पे है, क्योंकि आप जॉब करोगे, हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो, तो ज़्यादा इसके अंदर काम की चीज़ अब है, इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, राइट। आई थिंक ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा।
पिछला वाला भले नहीं दिखा हो तो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपके नोट्स के अंदर तो पूरा सेम टू सेम जैसा ही है, मैं नोट्स को देख के ही पढ़ा रहा हूँ आपको। आगे बढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट है एंटीबायोटिक्स। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसमें, समझने वाली चीज़ें। एंटीबायोटिक स्पेशली जो डाइजेस्टिव ट्रैक रहता है उसके इन्फेक्शन के लिए हम जो बस आपको मेडिकल मैनेजमेंट लिखना है, नोट्स कैसे बनाने, मेडिकल मैनेजमेंट लिखना है, पहली कैटेगरी एंटीबायोटिक लिखना है, उसके आगे लिख देना है टू प्रिवेंट द जीआई ट्रैक इन्फेक्शन, टू प्रिवेंट द जीआई ट्रैक इन्फेक्शन। जीआई ट्रैक के इन्फेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एच पाइलोरी इन्फेक्शन को, एच पाइलोरी को किल करने के लिए हम क्या क्या देते हैं, तो एमोक्सिसिलिन देते हैं, जैसा कि आपके नोट्स में लिखा हुआ है। सेकंड है क्लेरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तीसरा हम कह सकते हैं मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, राइट। चौथा हम कह सकते हैं टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। तो एमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल और टेट्रासाइक्लिन, ये तो हो गई सर एंटीबायोटिक, और ये एंटीबायोटिक इन्फेक्शन के फाइट करने के लिए हम देते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं, सेकेंड नंबर पे हम क्या मेडिसिन दे सकते हैं, तो एंटा एसिड देंगे, एंटा एसिड, क्योंकि ये तब वैसे तो जब गैस्ट्राइटिस होता है तो एसिड बनाने वाली सेल्स कम काम करती है, एसिड कम बनता है, लेकिन यदि गैस्ट्राइटिस एसिडिटी के कारण से ही हुआ हो, ठीक है, गैस्ट्राइटिस में क्योंकि हमने बाहर से एसिड एसिड फॉर्म का फूड यदि ज़्यादा ले लिया हो, एसिडिक ड्रिंकिंग हमने ज़्यादा ले ली हो, ठीक है, और उस कारण से यदि इसे गैस्ट्राइटिस हुआ है और बॉडी के अंदर एक्सेसिव एसिड बन रहा है, उस कारण से इरोजन आ रहा है, अल्सरेशन हो रहा है स्टमक के अंदर, और उस कंडीशन में एसिड को कंट्रोल करने के लिए हम एंटा एसिड देते हैं। और उस तरह की कंडीशन में पेशेंट को सिम्टम क्या आएंगे, हार्ट बर्न, ठीक है, हार्ट बर्न जैसे सिम्टम आएंगे, सीने में जलन वगैरह होना, ठीक है। दूसरा डिसपेप्सिया होना, डिसपेप्सिया, डाइजेशन वगैरह प्रॉपर नहीं होना, और ये सब चीज़ें रहती है। तो इन इन कंडीशंस में हम एंटा एसिड्स क्या क्या देंगे, तो इन कंडीशन में हम एंटा एसिड देंगे जैसे कि एस्पिरिन, एस्पिरिन एक तरह से एंटा एसिड का काम करता है, ठीक है, पेन किलर भी है, एंटा एसिड भी है। इसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट हम दे सकते हैं, या सिट्रिक एसिड देते हैं, ठीक है, सिट्रिक एसिड देते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। जो एसिडिटी को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। इसके बाद है एलुमिना, मैग्नीशियम, ठीक है, एलुमिना, मीना, मैग्नीशियम, एलुमिना, मैग्नीशियम, इस तरह के जो ड्रग्स हैं ये एंटा एसिड के अंदर आते हैं, लेकिन ये डायरिया और कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकते हैं, जैसा कि आपके नोट्स में लिखा हुआ है। थर्ड कैटेगरी हम जो देते हैं वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं, प्रोटॉन, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। और प्रोटॉन पंप जब चलता है, ठीक है, प्रोटॉन पंप अपना नॉर्मल फंक्शन करता है तो बॉडी के अंदर एसिड बनता है, ठीक है, लेकिन हम क्या दे रहे हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे रहे हैं, और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देने से एसिड इनहिबिट हो जाएगा। यही बस इतना ही समझना है आपको कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर वो एजेंट रहते हैं जो कि एसिड प्रोडक्शंस वाले पार्ट जो रहते हैं सेल के अंदर, एसिड प्रोडक्शन पार्ट जो रहते हैं उन पार्ट्स को ये ब्लॉक करते हैं, इस कारण से फिर एसिड प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, और ये एक तरह से एंटा एसिड की कैटेगरी मानी जाती है वैसे तो। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के एग्जाम्पल जो हैं वो पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, ठीक है, डेसिमोप्राजोल, तो इस तरह के ये एग्जाम्पल इसके अंदर लिखे हुआ है, लिखे हुए हैं ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रेबेप्राजोल, ओस्मेप्राजोल, डेक्सलेंसोप्राजोल, ठीक है, डेक्सलेंसाप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ये सारे प्राजोल, प्राजोल जो भी मेडिसिन आती है ये सब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, जो कि प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करके एसिड प्रोडक्शन को रोकती है, या अपन ये कह सकते हैं कि ये सेल्स के अंदर एसिड बनाने वाले पार्ट्स को ब्लॉक करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हिस्टामिन टू, मतलब कि एच टू ब्लॉकर्स मेडिसिन समझो देते हैं। एच टू ब्लॉकर्स का मतलब ये कि कोई सेल है इसमें हिस्टामिन रिसेप्टर्स रहते हैं, और हिस्टामिन मॉलिक्यूल यदि यहाँ पे टच हो जाए तो ये सेल, अब ये मॉलिक्यूल क्या है, हिस्टामिन, इस रिसेप्टर का नाम है हिस्टामिन रिसेप्टर, और सेल का काम है एसिड बनाना।
अब जब हिस्टामिन इसको स्टिमुलेट करेगा रिसेप्टर को, तो रिसेप्टर सेल को अलाउ करेगा कि वो क्या बनाए, एसिड बनाए, राइट। तो यदि हिस्टामिन रिसेप्टर पे आता है तो ये सेल एसिड बनाएगी, और हिस्टामिन रिसेप्टर पे नहीं आता है, हम यदि यहाँ पे ब्लॉकर दे देते हैं, H2 ब्लॉकर दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको हमने ब्लॉक कर दिया, अब हिस्टामिन सेल पे नहीं आएगा और ये एसिड नहीं बना सकता। ये सिंपल समझने का तरीका है H2 ब्लॉकर्स, ठीक है। तो एसिडिटी को कम करने के लिए दो कैटेगरी के ड्रग्स हम लेते हैं, दे सकते हैं। पहला तो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और दूसरा है H2 ब्लॉकर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के अंदर प्राजोल प्राजोल वाली सारी मेडिसिन आती है, और H2 ब्लॉकर्स के अंदर रेनिटिडिन फोमेटिडिन टिडिन टिडिन वाली मेडिसिन आती है, जैसे कि रेनिटिडिन सिमेटिडिन, ठीक है, फोमेटिडिन जो कि आपके नोट्स के अंदर लिखे हुए हैं, और निजेटिडिन निजेटिडिन, ठीक है। इस तरह के जो टिडिन टिडिन है वो सब सारे क्या हैं, H2 ब्लॉकर्स हैं। अब पांचवे टाइप के जो एजेंट हम देते हैं गैस्ट्राइटिस में वो है साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट। ये सेल्स को प्रोटेक्ट करने वाले एजेंट हैं, इसलिए इनका नाम साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट, ठीक है। सेल्स को ये प्रोटेक्ट करने वाले एजेंट है, इसलिए इनका नाम है साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट। और उसके बेस्ट और क्लासिकल एग्जाम्पल्स जो है वो सुक्राल फैट की सिरप आती है जो पेशेंट को पिलाई जाती है ताकि ये इसके लाइनिंग पे जम जाए, स्टमक की लाइनिंग, जो स्टमक की जो लाइनिंग है वहाँ पे जम जाती है और ये एसिड वगैरह से डैमेज को रोकती है, ठीक है। तो सुक्राल फैट हो गया सिरप फॉर्म में। इसके बाद है मिजोप्रोस्टोल, ठीक है, मिजोप्रोस्टोल। तो इस तरह के जो एजेंट है ये क्या है, साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट है जो कि सेल्स को डैमेज होने से रोकती है। और लास्ट में है एंटी एमेटिक, क्योंकि वॉमिटिंग वगैरह आएगी तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है वो ईसोफेगस वगैरह को भी डिस्टर्ब करेंगे, ओके। और गैस्ट्राइटिस के पेशेंट में वॉमिटिंग वगैरह के सिम्टम्स भी आते हैं, तो एंटी एमेटिक मतलब कि वॉमिटिंग को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन देते हैं। तो वॉमिटिंग को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन जैसे कि ओंडेस्टेरोन, ठीक है, ओंडेस्टेरोन एक मैंने एग्जाम्पल बताया, ठीक है। तो ये तो सारी होगी मेडिसिन। अब आपके नोट्स में नीचे और एक पैराग्राफ एक्स्ट्रा दे रखा है, उसमें क्या लिखा है कि एडिशनल मेजर्स क्या है। तो एडिशनल, ये तो मेडिकल मेजर्स थे, अब एडिशनल कुछ और सपोर्टिव हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें है एक तो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन, नेजोगेस्ट्रिक इंट्यूबेशन, ठीक है, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब जो डालते हैं ताकि फूड वगैरह सब नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू जाए, और जो एस्पिरेशन के और बाइल ये एसिड वगैरह रिफ्लेक्स होके जो ऊपर जा रहा है और इरिटेट कर रहा है, उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम नेसोगेस्टिक ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा है एनाल्जेसिक्स, यदि पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और एंटा एसिड, सेडेटिव्स वगैरह, निंद्रा निंद्रा वाली मेडिसिन, ठीक है, सेडेटिव्स भी दे सकते हैं। और इंट्रावीनस फ्लूड एडमिनिस्टर करना है, क्योंकि पर्सन को भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही है, तो उसको इंटरनली है ना इंट्रावीनसली फ्लूड एडमिनिस्टर करना है। लेकिन ये सारे मेडिसिन जो हैं ये डॉक्टर्स ऑर्डर पे और पेशेंट्स के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, राइट। तो ये सब क्या हो गया मैनेजमेंट ऑफ द गैस्ट्राइटिस, ओके। अब आगे जो है मैंने नोट्स में आपको दिया है NCP दी है, ठीक है, नर्सिंग केयर प्लान फॉर द गैस्ट्राइटिस पेशेंट। तो गैस्ट्राइटिस पेशेंट का NCP कैसे बनता है वह मैंने जो PDF के अंदर दे रखा है उसको देखिएगा, रीड आउट कीजिए, और इसको नोट्स में बना के इसका जो असाइनमेंट बना के मुझे A4 पेपर की साइज का असाइनमेंट बना के, ठीक है, NCP मैं आपके लिख ले रहा हूँ, राइट NCP ऑन गैस्ट्राइटिस, ठीक है, किस पे, A4 साइज पेपर पे असाइनमेंट फॉर्म में बनाना है और ये मुझे सबमिट करना है। और आपको कोई डाउट है तो यही 9784601744 इस पर कॉन्टेक्ट करना है आपके डाउट के सॉल्यूशन के लिए। और ठीक है, ऑल द बेस्ट।